हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ। अभी ये दोपहर का समय हो गया है, सारा काम वगैरह कंप्लीट हो गया है, किचन पूरी तरह से साफ़ है। और ये जो बर्तन में देख रहे हैं, मैंने आलू सहजन की सब्ज़ी बनाई थी और चावल, तो अभी बाबू स्कूल से आया, खाना खाया और मुझे खीरा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा खीरा, काला नमक और मिर्च का पाउडर डाल के मैं खाऊंगी। और ये खीरा देखिए, इतना सुंदर ये खीरा लाया है, जैसे लगता है अभी तुरंत लत से तोड़ कर लाया गया है। इतना अच्छा छिलका के साथ ही मुझे खाने का मन कर रहा है। तो लेकिन आजकल फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया है, मार्केट का है, हो सकता है इसको ताज़ा रखने के लिए कोई केमिकल दे दिया गया हो, इसलिए मैं इसको छील लूँगी और कट कर लूँगी। और बेचने वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से खीरा कट करके उसमें नमक मिर्ची मिलाते हैं आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं लास्ट वाला करके दिखाऊंगी। उस तरह से भी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो जो खाने की इच्छा वो आदमी को खाना चाहिए और इस स्थिति में तो ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर बाबू होमवर्क कर रहा है, तो ये होमवर्क करने के लिए पूछने आया क्या करना क्या नहीं। और पता नहीं क्यों स्कूल जाता है तो बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है। आज तो मेरे हस्बैंड गाँव भी जाने वाले हैं, गाँव या भागलपुर आप कह लीजिए। मेरे देवर तो 20 तारीख को ही चले गए थे, ये 21 तारीख को जाएंगे क्योंकि 22 को शादी है। मुझे वहाँ का भी टेंशन बना हुआ है कि इन लोगों को कौन चाय बना के देगा, कौन नाश्ता देगा। हालांकि एक जेंट्स नियुक्त किया गया है जो कि खेत करने वाले हसामी होते हैं वो हैं। और देखिए इस तरह खीरा कट करके नमक और मिर्ची इस तरह से मिला के वो देता है, बेचने वाला तो बहुत खाने का मन करता है। तो इस तरह से अब अपना वो होमवर्क कर लेगा और मैं जाऊँगी उसके पास लेके ताकि वो भी खाए। और अभी इस प्रेगनेंसी में पानी वाला फल अधिक खाने के लिए कहा जाता है। परसों भी मुझे डॉक्टर ने यही सपोर्ट किया था कि यही सजेस्ट किया था कि तारबूज हुआ या फिर खीरा हुआ, ये सब आप ज़्यादा अंगूर हुआ आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों खीरा खा लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा किचन। और ये सोकर उठने के बाद का वीडियो है, बाबू सोकर उठ गया था, हम भी थोड़ा आराम किए थे 1-2 घंटा। और आज जो है ये चूँकि रात में निकलेंगे तो रात में मेरा भाई आएगा, तो वो होली में घर गया नहीं था और मुझे भी बहुत दिनों से मालपुआ खाने का मन कर रहा था, चाशनी वाला, तो मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर एक केला लिया है, थोड़ा सा किशमिश और इलायची है और ये मैदा है, सूजी है और सूखा नारियल था नहीं, मैंने दुकान वाले को फ़ोन किया तो उनके यहाँ भी नहीं था। तो खाने की इतनी इच्छा थी कि मैंने नारियल वगैरह किसी चीज़ का वेट नहीं किया और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो केला को पहले चीनी में डाल के मैश कर लूँगी। केला को चीनी के साथ अगर आप मैश करते हैं तो बहुत जल्दी मैश हो जाता है। और बाकी चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने मालपुआ की रेसिपी भी अपने चैनल पर शेयर किया है। तो डियर आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देती हूँ आपके हर कमेंट्स का। तो मैंने सोचा मालपुआ बना कर रख देती हूँ, वो आएगा बउआ मेरा भाई यहीं पर कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है वो पटना में ही, तो वो तब तक ये नाश्ता करेगा, फिर इनका बैग वगैरह भी मुझे समेटना है और थोड़ा सा मैनेज करके अरेंज करके दे दूँगी। अभी ये लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सब कुछ मिला के रख दिया है और इस साइड में मैंने चाशनी चढ़ा दी है। तो 1-2 बर्तन जो बचा है उसको मैं धो के रख लूँगी ताकि इकट्ठा ना हो, और उसके बाद फिर पुआ बनाने में लगेंगे पुआ की रेसिपी में। और ये जो है जिस तरह की बेसन की कढ़ी आप बनाते हैं तो जितना मिलाते हैं उतना बढ़िया बनता है, पुआ के साथ भी मैंने वही ट्रिक अपनाया, तो इतना फुला फुला और इतना अच्छा बना था पुआ, अभी आप लोग देखिएगा। तो इसको मैंने बहुत देर तक इसको भीगने दिया था दूध में, पूरे अच्छे से सूजी वगैरह मिल जाए, अच्छे से पूरा फूल जाए, जिससे कि पुआ एकदम अच्छा और सॉफ्ट बने। तो मैंने वहाँ पर फ़ोन किया जो हसामी थे, मैंने उनको कहा कि ये लोग जा रहे हैं, तो देखिएगा कैसे क्या होता है। और अभी मैंने लाइट ऑन कर दिया है, अभी इलायची कूट के थोड़ा चाशनी में दे दूँगी, थोड़ा पुआ वाला में दे दूँगी और शुद्ध घी में ही बनाऊँगी, क्योंकि रिफाइंड वगैरह खाने में मुझे बहुत डर लगता है। जब तक ये अच्छे से पक जाएगा चाशनी और अच्छे से फूल जाए वो पुआ का जो मैंने मालपुआ का तैयार किया, तब तक मैं ये कर्टन वगैरह ठीक कर लूँगी ट्रंक पे, जो ये दूध वीआईपी आप देख रहे हैं मैं जिस तरह से आई हूँ उसी तरह से रखा हुआ है, क्योंकि इनको भी फुर्सत नहीं मिलता है ऑफिस के कामों से। और इसमें से कुछ कपड़ा मुझे निकालना भी है और मैं जान कर नहीं खोलती हूँ, क्योंकि वही सब जो साड़ी है जो ससुराल में मिला है तो मैं वो सब देखना ही नहीं चाहती हूँ, करना पड़ेगा। और ये इनका आयरन किया हुआ कपड़ा आया है जो कि पैक करना है मुझे, आज ये लेकर जाएंगे
थोड़ा बेड ठीक कर लूँगी और घर तो पूरी तरह से साफ़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा झाड़ू दे दूँगी। तबीयत ठीक लगती है, मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ और काम हल्का फुल्का करना ही चाहिए, आदमी को बैठे नहीं रहना चाहिए। तो मैं झाड़ू लेने जा रही हूँ, झाड़ू दे दूँगी और उसके बाद तब तक वहाँ पर मेरा चाशनी पक रहा है। चाशनी को दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो पूरा चिपचिपा या पतला भी बना सकते हैं। तो अभी समय है चाशनी बनने में, तो यहाँ पर मैं झाड़ू ढूंढ रही थी, बालकनी में नहीं था, तो यहाँ पर मैंने बेडरूम में झाड़ू दे दिया। अब किचन में और गेस्ट रूम में दूंगी झाड़ू, और सोकर उठने के बाद फिर दोबारा से बाबू अपना कुछ होमवर्क या ड्राइंग वगैरह कर रहा है, मैं उतना ध्यान दे ही नहीं पा रही हूँ यार। इसीलिए अच्छा है कि मैंने इसको UKG में ही रख दिया, ताकि ये अपना सारा होमवर्क खुद कर लेता है, इसके पीछे लगना नहीं पड़ता है। अगर वन में ये जाता, मुझे मेहनत करना पड़ता और मेरी कोई गारंटी नहीं होती, कभी ठीक रहती हूँ कभी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से फिर ये तो रात में निकल जाएंगे, और मेरा भाई जो है वो योग वगैरह करता है, तो वो 4 बजे सुबह ही निकल जाएगा, लेकिन खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं पुआ बना के रख लूँगी, उसके बाद आराम से रात का खाना बनाऊँगी जो भी बनाना होगा। तो उस VIP को मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसको अंदर में रख दो, क्योंकि बाहर में सच में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें से कपड़ा वगैरह जो भी है निकाल के रखना है। जैसे कि साड़ी कवर मैंने आप लोगों को दिखाया, तो उसमें भी कुछ सूट वगैरह जैसे होगा अभी मैं अरेंज कर दूँगी। मेरे साथ तो बहुत लाचारी है, नीचे से मैं कुछ उठा नहीं पाती हूँ, रख नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर बाबू का जो स्कूल ड्रेस है, अब मैं इसको इसी तरह से 2-3 घंटे से पड़ा हुआ था, अभी अब थोड़ा सा झाड़ू लगा कर और कालीन ये बिछाने में मेरी मदद कर रहा है, और बहुत दुबला पतला हो गया जब से इसकी दादी एक्सपायर की है। तो वहाँ पे इसको कोई देखने वाला नहीं था, इसके पापा ये सब कुछ किए थे। मैं इस हालत में थी, नाइटी पहनकर मैं गेस्ट लोग के सामने में नहीं जाती, बाहर नहीं जाती, कहीं भागता था, कहीं खेलता था, कभी भी फ्रिज का पानी निकाल के पी लेता था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इसीलिए ये दुबला पतला है। तो यहाँ पर मैं सोफ़ा का कवर वगैरह भी ठीक कर लूँगी, और इस रूम में बेड मैंने नहीं लगाया था, लेकिन अब क्योंकि TV वगैरह भी देखती हूँ, तो एक ही पोजीशन में अधिक समय तक रह भी नहीं सकती हूँ, और रहने के लिए भी डॉक्टर ने मना किया है। तो यहाँ पर मैंने बेड इसीलिए लगा दिया है, लेटने का मन हो तो लेट के TV देख सकती हूँ। और उधर का सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब मैं किचन आ गई हूँ, और यहाँ पर शुद्ध घी में ही मैं बनाऊँगी। तो 2 किलो घी मेरे ससुर साहब दिए थे, तो अभी तो इस समय में घी मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनको इतना क्या पता, वो बोले बाबू वगैरह खाएगा, और मेरे हस्बैंड के बारे में भी वो सोचें, चूँकि 13 दिन तक ये कुछ खाए नहीं थे, तो काफ़ी दुबले पतले हो गए हैं। तो अब तो ये लास्ट होने के कगार पर है, क्योंकि शुद्ध घी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में शुद्ध घी डाल दी, और चाशनी भी मेरा पक गया है, और ये किशमिश है, थोड़ा सा किशमिश इसमें डाल दूँगी और चेक करूँगी घी मेरा पका या नहीं। थोड़ा बैठ के उठ के इस तरह से करती हूँ, लगातार नहीं कर पाती हूँ काम। लेकिन जब पुआ वगैरह बनाने के बाद मेरा भाई आया, और फिर मैंने ये भी ऑफिस से आ गए, तो वही आलू सहजन की सब्ज़ी और चावल इन्होंने नाश्ता किया, कुछ भी अभी खा लेते हैं, दिन का रात का समझते हैं परेशानी। अब देखती हूँ मेरी मम्मी कब आती है। उसके बाद फिर जब मैं रात में रोटी सब्ज़ी बनाने लगी, तो लौकी की सब्ज़ी बनाई। मेरा भाई चूँकि योग वगैरह करता है, और आप लोगों को एक बार और बताया था, अभी बता रही हूँ, बिहार दिवस के दिन वो न्यूज़ चैनल पर भी आया था, काफ़ी अच्छा बाँसुरी बजाता है, कभी मैं आप लोगों को ज़रूर सुनवाऊँगी। और यहाँ पर पहला जो मैंने पीस दिया, थोड़ा मोटा हो गया, लेकिन बाकी देखिएगा कितना कितने अच्छे से ये बिल्कुल क्रंची बना था। और चाशनी में बिना डुबोए भी 1-2 मालपुआ हमने रखा था, क्योंकि कम मीठा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था जलेबी की तरह खाने में। तो 2-4 सूखा भी रखा था, और 2-4 ज़्यादा तो नहीं बनाया था, 10-12 बनाया था, क्योंकि इतना देर में रुक कर बना ही नहीं पाऊँगी। तो इस तरह से ये देखिए, 3rd-4th इतना नहीं फूला है, लेकिन अभी इतना सुंदर ये जैसे जैसे फूलते जा रहा है, ये जो इसका जो भी डोरी है इसको जो मिला हुआ है, वैसे वैसे पुआ जो है एकदम फूल के सामने आता है। तो अभी आप देखिएगा, और ये देखिए कितने शानदार तरीके से पुआ इस तरह से फूल के बना था। तो फिर मैंने कहा लौकी की सब्ज़ी, वो बोला बना दो, लड़का है खुद से बनाता है, खाता है, सब मशीन से काम करता है, रोटी मेकर से रोटी बनाता है सबसे। तो फिर सब्ज़ी तो मैंने छोंक लगा दी, और उसके बाद मैंने कहा तुम चलाते रहना बीच बीच में, वो चलाते रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी थक गए थे, और वो अपना सारा सामान निकाल रहे थे क्या लेके जाना है क्या नहीं। तो सब्ज़ी बनने के बाद जब मैं रोटी बनाने लगी, तो रोटी बनाते बनाते पेट में काफ़ी दर्द शुरू हो गया नीचे के हिस्से में, तो 3 रोटी बच भी गया, मैं बना भी नहीं पाई। मेरा भाई बोला लाओ मैं ही किसी तरह बनाता हूँ। तो यही होता है, काम करती हूँ ठीक रहता है, साफ़ सफाई भी हमेशा मन करता है ये सब करते रहूँ, लेकिन वही अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने खाना खाया रात में, सलाद भी वही काटा, आने के बाद काफ़ी हेल्प किया, और वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था,
क्योंकि योग वगैरह करने से, जब मैं योग करती थी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती थी, सुबह 5 बजे उठ के जाती थी दौड़ना योग करना, काफ़ी थक जाती थी फिर भी मैं दोपहर में नहीं सोती थी, सिलते बिनते रहती थी, कुछ ना कुछ करते रहती थी। तो इस तरह से, और योग तो जीवन का एक हिस्सा है, अब देखिए कब से हम लोगों का शुरू होता है। तो इस तरह से लगातार काम करने के दौरान थक तो जाती हूँ, इस स्थिति में भी लोग, वही मेरा भाई बोल रहा था कि बताओ मम्मी को कब लेते आए यहाँ पे, मैंने कहा बस देख रही हूँ। मैं भी सोचती हूँ जितना लेट से मम्मी आए उतना लेट तक रुकेगी, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग डिले कर रहे हैं, नहीं तो आदमी को का तो हमें ज़रूरत है ही। और जो भी चाशनी प्लेट में एक्स्ट्रा बच जाता है उसको इस तरह से गिरा देती हूँ, और इस तरह से पूरा पुआ बन के मेरा तैयार हो गया, बर्तन वगैरह पानी में भीगने दे दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। और कहा जाता है कि इस स्थिति में जो भी खाने की इच्छा हो वो आदमी को खाना चाहिए, वो औरत को खाना चाहिए, ऐसा नहीं एक मन में कुछ रखे हैं नहीं खा रहे हैं। और अब मुझे खाने का मन कर रहा है गुजिया, बहुत दिन से, और खुए की गुजिया नहीं, जिसको हम लोग पिरकिया भी कहते हैं, सूजी वाला गुजिया खाने का मन कर रहा है, लेकिन उसमें मेहनत है। अब देखती हूँ मैं अकेले बनाती हूँ या मम्मी आने के बाद बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा मेरी हो रही है। तो इस तरह से मैंने ये ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, और पुआ वगैरह बाबू को भी दिया, हम भी खाएं। इसके आधे घंटे बाद ही भाई भी आ गया था, ये भी आ गए थे, उसके बाद रात का खाना पीना बना के खाएं पिएं सोएं। तो चलिए डियर, अब मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। चैनल पर जो नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग संतोषी माता के व्रत के बारे में पूछते हैं, तो मैं बनाऊँगी उस पर डिटेल वीडियो एक बार और। तो तब तक इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल पे बने रहिए, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।